नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग घर में टमाटर उगाना सीखेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ए टू जेड टमाटर के पौधे के बारे में मिलेगी, घर में किस तरह से उगाना है, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टमाटर को उगाने के क्या तरीके हैं। दो तरीके हैं टमाटर को उगाने के, या तो आप घर में जो आपके टमाटर रखे हुए हैं, जो आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी द्वारा भी, उनकी मदद से भी टमाटर उगा सकते हैं, वरना आप जो मार्केट में नर्सरीज पे जो सीड्स मिलते हैं आप उन्हें भी लेकर के आ सकते हैं। जो सीड्स होते हैं वो ट्रीटेड होते हैं, तो उनमें फंगस लगने का खतरा कम होता है और उनकी ईल्ड अच्छी होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन में अगर आप घर के टमाटर को लेकर के उससे उगाएं तो। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों ही तरीक़ों से टमाटर उग जाते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से बीज लेके आएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप घर के टमाटरों को उगाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आपने सिंपली टमाटर को जो है बीच में से काट के उसको निचोड़ना है। जो निचोड़ेंगे तो आपको वाइट वाइट छोटे छोटे बीज उसमें नज़र आएंगे, तो वही बीज आपने मिट्टी के अंदर डाल देने हैं और उसे पतली लेयर से मिट्टी की कवर कर देना है बस डाल के। आप डायरेक्ट जो है टमाटर के स्लाइसिस भी काट के डाल सकते हैं। अगर घर में आपने सलाद के लिए टमाटर काटे हैं और वो पुराने हो गए काफ़ी, आप उन्हें नहीं खाना चाहते, तो आप उसे किसी गमले में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर को साल में जो है 3 बार उगाया जाता है। सबसे पहले इसे फरवरी मार्च के महीने में उसे उगा सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अलावा इसे सितंबर में भी उगा सकते हैं और इसे आप सर्दियों से पहले भी उगा सकते हैं। ये जो टाइमिंग मैंने आपको बताए हैं उगाने के, ये इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से है। जो भी इंडिया के आसपास के कंट्रीज़ हैं या इंडियन जो क्लाइमेट है उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है टमाटर के पौधे घर में उगाते हुए, वो है मिट्टी का। अगर आप गमलों में टमाटर उगा रहे हैं तो आपको मिट्टी का खास ख्याल रखना पड़ता है। मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि टमाटर के पौधे काफ़ी हैवी फीडर होते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन पसंद है। तो इसीलिए आपको आइडियल मिक्सचर बताता हूँ मैं मिट्टी का। गर्मियों में अगर आप टमाटर के पौधे उगा रहे हैं तो उसके लिए आप 50% के करीब अपने गार्डन सॉइल ले लीजिए। गार्डन सॉइल वो मिट्टी होती है जो आपको लोकली अपने यहाँ पर मिलती है। अगर आप दिल्ली के आसपास के एरिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, तो आपको पीले रंग की मिट्टी मिलेगी। इसके अलावा आपने 30% के करीब कंपोस्ट लेना है। आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, या फिर जो भी आपको वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपको आसानी से मिल जाए आप वो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 से 3 मुट्ठी के करीब यहाँ पर लकड़ी की राख डाली है। लकड़ी की राख डालने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते और पोटेशियम की मात्रा भी मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ जाती है, जिससे पौधों को एडिशनल न्यूट्रिशन मिलता है। इसके अलावा आप मिट्टी के अंदर 10% के करीब कोकोपीट मिला सकते हैं। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं तो आपको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कोकोपीट आप मिला सकते हैं। इसके अलावा 10% के करीब रेत भी ज़रूर मिलाइए, ताकि ड्रेनेज जो है वो मिट्टी में अच्छी बनी रहे और पानी नीचे रुका ना रहे। ये मिट्टी टमाटर के पौधों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको आप जो है अपने किसी भी गमले में, बड़ा गमला आप लेंगे तो अच्छा ज़्यादा रहेगा, 10 इंच से बड़ा गमला लेंगे तो। वैसे छोटे गमलों में भी, 8 इंच के गमलों में भी टमाटर आसानी से उग जाते हैं। आप पुरानी पड़ी घर की टूटी फूटी बाल्टियों में, बकेट्स में, आप किसी भी चीज़ में पौधे ये टमाटर के उगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की पुरानी एक बकेट ली है, उसके अंदर पौधे उगाए हैं टमाटर के। घर में वेस्ट पड़े ड्रम या कोई भी बकेट या कुछ भी प्लास्टिक का कंटेनर भी आप ले सकते हैं, गमले ही आपको खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी आपने कंटेनर लिया है उसमें आपने 1-1, 2-2 इंच को की जगह को छोड़ के जो है उसमें बीज लगाएं। बहुत ज़्यादा बीज एक साथ मत फैलाइए। ये बीज जो है, जो मैं लगा रहा हूँ, ये मार्केट से ख़रीदे हुए बीज हैं, तो मार्केट से ख़रीदे हुए बीज जो है उनकी ईल्ड अच्छी होती है, उनके उगने के चांसेस और उनमें फ्रूट्स ज़्यादा निकलने के चांसेस होते हैं। सभी बीजों को अच्छी तरह से इवनली फैलाने के बाद हम उसके ऊपर एक पतली लेयर की मिट्टी से उसे कवर कर देंगे, ताकि बीज को कोई भी पक्षी आके, कोई भी चिड़िया वगैरह आके चुग के ना चली जाए। इसलिए बीज को कवर करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मिट्टी में पानी ज़रूर डालिए। पानी आपने डेली डालना है। गर्मी ज़्यादा है तो पानी का आपको खास ख्याल रखना है कि मिट्टी सूखने ना पाए। टमाटर के बीजों को स्प्राउट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 4 से 5 दिनों में ही टमाटर के पौधे स्प्राउट होने लगेंगे और 15 से 20 दिनों में टमाटर के पौधे काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं। जब टमाटर के पौधे बड़े होने लग जाएं तो आप उन्हें सेपरेट करके अलग अलग गमलों में उसे लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटे से गमले में आपने खूब सारे पौधे लगाए होंगे तो उनके अंदर फ्रूट्स अच्छी तरह से नहीं बनेंगे, तो आप गमलों को सेपरेट करके अलग अलग जगह भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी जो है फलों की मात्रा अच्छी आए पौधों में। इसके अलावा जो टमाटर के पौधे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो आप या तो कोई ट्रेलिस वगैरह के ऊपर टमाटर के पौधे उगाइए, जिससे टमाटर के पौधों को सपोर्ट मिले, वरना आप इस तरह की जो बैम्बू स्टिक्स होती हैं, लकड़ियाँ जो ये मिल जाती हैं आपको, तो इस तरह की लकड़ियों से भी आप सपोर्ट दे सकते हैं प्लांट को।
सपोर्ट देने से क्या होगा कि प्लांट के जो स्टेम्स हैं वो टूटेंगी नहीं, और जो पौधा जो जब फ्रूट्स बनाता है तो उसमें भी उसे मदद मिलेगी। इसके अलावा तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि टमाटर के पौधों को स्प्राउट करना और उगाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसकी हेल्थ को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। तो उसके लिए आपने इसके ऊपर लीफ माइनर का अटैक और कई सारे वायरस का और फंगस का और माइट्स का अटैक बहुत जल्दी होता है टमाटर के पौधों पर, तो उसके लिए आपने इसे जब भी आपका पौधा 20 दिन के बाद आपका पौधा 20 दिन का बड़ा हो जाए उसके बाद आपने नीम तेल का और बेकिंग सोडा का स्प्रे आपने अपने पौधे पर ज़रूर करना है। यहाँ पर मैंने 5 लीटर के करीब पानी लिया है, उसके अंदर मैंने एक छोटा चम्मच बेकिंग सोडा का डाला है। बेकिंग सोडा के अलावा हमने नीम का तेल डालना है, 1 चम्मच के करीब नीम का तेल डालना है। बिल्कुल प्योर नीम का ऑयल होना चाहिए, वैसा नीम का तेल आपने नहीं डालना जो खुशबू वाला बालों में लगाया जाता है, ये प्योर एग्रीकल्चर शॉप से मिलने वाला नीम का तेल है। इसके अलावा 1 चम्मच के करीब हमने कोई भी शैम्पू या फिर आप डिश वॉशिंग सोप या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड सोप आप इसमें डालिए। उससे क्या होगा, जो नीम ऑयल हमने डाला है उसके पार्टिकल्स ब्रेक डाउन करने के लिए सोप की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें, तो इसीलिए सोप डालना भी बहुत ज़रूरी है। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आप मिक्स करके किसी भी स्प्रे बॉटल की मदद से अपने पौधों सभी टमाटर के पौधों पर ज़रूर डालिए, और ये आपने प्रिवेंटिव तौर पर ही करना है। ये नहीं कि जब आपको बीमारी दिखनी शुरू हो जाए उसके बाद आप उठा के इसे चलोगे नीम के स्प्रे को, तब कुछ भी नहीं होगा, तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 20 दिन के जब पौधे बड़े हो जाएं तब से आप इसे करना शुरू कर दीजिए स्प्रे इसके ऊपर प्रिवेंटिव बेसिस पे, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपके पौधे बिल्कुल हेल्दी और चमकदार रहेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया था कि टमाटर के पौधे जो हैवी फीडर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें खाद चाहिए ताकि जिससे उनमें अच्छे फल बन पाएँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद आपके टमाटर के पौधों पर पीले रंग के फूल आने शुरू हो जाएं तब आपने हर हफ्ते पौधे को खाद देनी है। अब आपने कौन सी खाद देनी है, आप गमले के अंदर 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट या फिर पत्ती की खाद लेके वो डाल सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी खाद है सरसों की खल की खाद, आप 2 से 3 बड़े चम्मच जो है एक जो 12 इंच के करीब का जो गमला अगर आपने लिया है तो उसके अंदर 2 से 3 चम्मच के करीब आप सरसों की खल भी डाल सकते हैं। आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अगर आप उसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वो आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप ख्याल रखेंगे तो टमाटर के पौधे उगाने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और इसके अलावा आपकी जो फसल घर में उगेगी वो भी आपको अच्छी फसल मिलेगी। टमाटर घर में जो टमाटर उगे हुए हैं आप उन्हें उगा के देखेंगे तो उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही एक अलग टेस्ट होता है बाहर के टमाटर से, बहुत ही 10 गुना ज़्यादा उनका स्वादिष्ट होते हैं वो बाहर के टमाटर से। साथ में हमने कुछ भी इसमें केमिकल किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का या किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र केमिकल नहीं डाला होता, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिकली उगे हुए टमाटर घर में 1,00,000 गुना अच्छे होते हैं बाहर के टमाटरों से। तो बिल्कुल आप घर में ट्राई कीजिए, बहुत आसान है इसको घर में उगाना, तो टमाटर को उगाना आप ट्राई कीजिए। कुछ भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको टमाटर के पौधे बीज खरीदने हैं, टमाटर के बीज आपके आसपास नहीं मिलते नर्सरीज पे, तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा अमेज़ॉन का जहां से मैंने ख़रीदा था, तो आप वहां से भी जाके पौधे के बीज जो है ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।